आज हम जानेंगे स्नेलन चार्ट के बारे में। जब भी आप IOPD में जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपका विजन चेक करते हैं, तो इसके द्वारा हम विजन एक्विटी चेक करेंगे, आई की रोशनी चेक करेंगे। अब हम जानेंगे विजुअल एक्विटी की डेफिनेशन। विजुअल एक्विटी क्या होती है? तो ये हमारी आँखों की रिजॉल्विंग पावर होती है, जिससे कि हम दूसरी वस्तुओं को एक दूसरे से अलग कर सके, उनको पहचान सके। दूसरे शब्दों में कहे तो हम ये जान सके कि हमने जो चीज़ देखी है वो क्या चीज़ है, उसको हम मेजर कर सके, उस वो किस कलर में है और किस शेप में है, उसकी क्या साइज है और वो हमारी आँखों से कितनी दूरी पर रखी है। अब विजुअल एक्विटी में हम चार चीज़ें चेक करेंगे। एक रहता है डिस्टेंस विजन, दूसरा रहता है नियर विजन, तीसरा रहेगा पिन होल विजन और चौथा रहेगा कलर विजन। अब हम जानेंगे डिस्टेंस विजन के बारे में, मीन्स दूर दृष्टि को हम कैसे चेक करेंगे। हमारा जो विजन है वो दूर का, तो उसको हम कैसे चेक करेंगे कि हम कितनी दूर तक देख सकते हैं, हमारी आँखों के द्वारा किसी भी चीज़ को हम साफ साफ कितनी दूरी तक आसानी से देख सकते हैं। तो इसको चेक करने के लिए जो आई हॉस्पिटल होता है, IOPD होती है, तो उसके अंदर कुछ चार्ट लगे रहते हैं, तो उनकी सहायता से जो डॉक्टर्स है वो हमारी आँखों की रोशनी को चेक करते हैं, हमारी आई विजन को चेक करते हैं। तो इसके लिए एक स्नेलन चार्ट होता है, थम्बलिंग ई चार्ट होता है, लैंडोट सी चार्ट होता है, ETDRS होता है और पिक्चर चार्ट होता है। इनकी सहायता से डॉक्टर हमारी डिस्टेंस विजन को चेक करता है और हमें कुछ हमारी जो OPD स्लिप होती है तो उस पर कुछ नंबर लिख देता है। अब हम जानेंगे कि हमारा जो विजन है आई का, उसको डॉक्टर किस प्रकार से चेक करते हैं। तो ये जो डिब्बा लगा है इसी को स्नेलन चार्ट कहते हैं और इसी की सहायता से डॉक्टर हमारी आई विजन को चेक करता है और हमें कुछ नंबर देता है। तो ये चार साइड से अलग अलग इसमें कुछ चिन्ह बने होते हैं, अक्षर लिखे रहते हैं। पेशेंट को उधर 6 मीटर की दूरी पर बिठा देते हैं, उसके बाद उसकी पहले लेफ्ट आई बंद कराएंगे, फिर राइट आई से जो पढ़ा लिखा पेशेंट रहेगा इंग्लिश के जो लेटर पढ़ेगा उसको रीड करवाएंगे। यदि वो हिंदी चाहता है तो इसमें ये जो लिखा है 6993 का क्या मतलब रहता है? जैसे पेशेंट को 6 मीटर की दूरी पर बढ़ाएंगे, पेशेंट को जैसे ए लेटर पड़ेगा तो 6x60 रहेगा, सेकंड लाइन पड़ेगा तो 6x36, ऐसे 6x24, फिर 6x18, 6x12, 6x9, 6x6 नॉर्मल विजन रहेगा। तो किसी को जैसे सिर्फ ए दिख रहा है, बाकी नीचे की लाइनें नहीं दिख रही, तो उसको कितना नंबर मिलेगा? 6x60 नंबर मिलेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ 60 का? 6 मीटर से पढ़ पा रहा है, 6 मीटर तो मतलब ये 60 मीटर से भी पढ़ लेगा इसी लेटर को। अगर किसी का 6x60 आ रहा है, 6x6 आ रहा है तो 60 मीटर की दूरी पढ़ लेगा। और इसमें ये अलग अलग बना रखे हैं, जैसे यहाँ ABCD दे रखी है, उधर हिंदी का दे रखा है। यदि कोई पेशेंट इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहा तो हिंदी के लेटर अपन पढ़ पा रहे, और कोई पेशेंट A6 ही तो लेटर है तो उसके लिए C चार्ट रहता है, तो उसको भी ये ऐसे पूछा जाएगा डायरेक्शन, इसका मुंह किधर से खुला है, इसका मुंह कहाँ से ओपन है, तो बताता जाएगा, फिर इसकी रीडिंग होगी। और पिक्चर चार्ट है ये बच्चों के लिए जो 4 साल से ऐसे छोटे छोटे बच्चों के लिए ये पिक्चर चार्ट है। हिंदी में कुछ अक्षर लिखे हैं, तो ये इस प्रकार की जो साइड है इसको उन लोगों के लिए हम यूज करेंगे जो इंग्लिश नहीं पढ़ सकता, तो उनको हम हिंदी के अक्षर पढ़ा के उनसे उनकी विजन को चेक करेंगे। यहाँ पे ये इंग्लिश में कुछ अक्षर अल्फाबेट दे रखे हैं, तो उनको पढ़ा के हम मरीज की जो इंग्लिश पढ़ना जानता है तो उसको ये इंग्लिश के अक्षर पूछ के उसकी विजन को हम चेक करेंगे। ऊपर सबसे बड़ा ये A लिखा है, उससे फिर छोटे XO लिखा है, फिर उससे छोटे, तो इस प्रकार से ये बड़े से लेके छोटे छोटे होते हुए लास्ट की लाइन में सबसे छोटा अक्षर हो जाता है। और ये लिखा है C अक्षर, तो ये उनके लिए है जो ना हिंदी पढ़ सकते हैं ना इंग्लिश पढ़ सकते हैं, तो उनके लिए ये C अक्षर है। तो ये एक साइड से उसका जो मुंह है वो खुला हुआ है, तो उस खुले हुए मुंह को उसका डायरेक्शन पूछते हैं पेशेंट से कि इसका मुंह किस तरफ खुला है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, या ऊपर है या नीचे की तरफ खुला हुआ है। स्नेलन चार्ट में एक साइड में इस प्रकार से डॉट बने रहते हैं, तो जो छोटे बच्चे रहते हैं वो पढ़ नहीं पाते, तो उनसे
इन डॉट की संख्या पूछते हैं और ऊपर से लेके नीचे तक लाइन में उनसे पूछते हैं और उनके विजन को चेक करते हैं। अब हमें जो नंबर दिया जाता है 6x6, तो जो 6 का रहता है वो अंश रहेगा और नीचे 6 हर रहेगा, मतलब बटे में 6x6 6/6 दिया जाता है। तो जो ऊपर का जो 6 रहता है वो रहता है 6 मीटर की दूरी पेशेंट की स्नेलन चार्ट से, और जो नीचे का जो हर रहता है उसका मीन्स रहता है कि उसको कितना नंबर मिला है। अगर उसको 6x6 नंबर मिला है तो इसका मतलब है कि वो उस वस्तु को 60 मीटर दूर से भी आसानी से देख सकता है। तो अभी तक हमने जाना कि किस प्रकार से डॉक्टर हमारी आई का चेकअप करके हमें ओपीडी स्लिप पे नंबर देता है। यदि हम पहली लाइन पढ़ पा रहे हैं तो हमें 6x60 नंबर मिलेगा, जो सिर्फ जो ऊपर का अक्षर दे रखा है 6x60 नंबर आया, तो इसको हम 6 मीटर की दूरी से भी पढ़ पाएंगे और इसको हम 60 मीटर की दूरी से भी आसानी से पढ़ पाएंगे। यदि हमारा जो दूसरी लाइन है उसको हम आसानी से पढ़ पा रहे हैं तो हमें 6x36 नंबर मिलेंगे। इसका मतलब हुआ कि हम इस वस्तु को हम 6 मीटर से भी देख सकते हैं और 36 मीटर से भी आसानी से देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से डॉक्टर हमें अलग अलग नंबर देगा। अब यदि कोई ऐसा पेशेंट आया जिसको 6 मीटर दूर बैठ के भी कोई सी भी लाइन पढ़ने में नहीं आ रही, तो अब क्या करें? तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर पेशेंट को हम 6 मीटर की बजाय 5 मीटर दूरी पे बिठाएंगे और फिर उससे पूछेंगे। 5 पे भी नहीं दिख रहा तो अब क्या करें, फिर उसको हम 4 पे बिठा देंगे, वहाँ भी नहीं दिख रहा तो फिर उसको 3 मीटर दूरी पे बिठा देंगे, फिर उससे पूछेंगे। अगर उसको 3 मीटर पे दिख रहा है तो जो 6x6 लिख रहे थे हम, तो वहाँ 6 की जगह फिर 3/ जो भी उसको लाइन दिख रही है उस हिसाब से, अगर वो 3 मीटर पे बैठ के पहली लाइन ही पढ़ पा रहा है तो उसको हम नंबर देंगे 3/60। दूसरी लाइन भी पढ़ पा रहा है तो 3/36। तीसरी लाइन भी पढ़ पा रहा है तो 3/24। तो इसी प्रकार से उसको नंबर देंगे। फिर क्या करते हैं, पेशेंट को हम बिठा के हमारा जो हाथ रहता है उसको इधर उधर घुमा के उससे पूछेंगे कि आपका जो हमारा जो हाथ है वो किस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, तो आपको वो बताना है लेफ्ट में या राइट में सामने बिठा के। तो यदि पेशेंट बता रहा है कि सही बता रहा है तो उसको हम नंबर देंगे हैंड मूवमेंट HM। अब यदि जो पेशेंट है उसको हाथ का मूवमेंट भी नहीं दिख रहा तो अब क्या करें, तो उसके लिए फिर क्या करते हैं, हम पेशेंट को बिठा के टॉर्च लेके और उसकी आंखों में रोशनी डालते हैं और उससे पूछते हैं कि आपको लाइट की जो रोशनी है वो दिखाई दे रही है क्या, तो बताएगा हाँ या ना, तो उसी प्रकार से उसको हम नंबर देंगे। अब यदि पेशेंट लाइट को देख पा रहा है तो इसे हम लिखेंगे पीयर, परसीव लाइट। यदि पेशेंट लाइट देख पा रहा है तो इसे हम PL पॉजिटिव लिखेंगे, यदि नहीं देख पा रहा है तो इसे हम PL नेगेटिव लिखेंगे, परसीव लाइट नेगेटिव। फिर भी नहीं दिख पा रहा तो लाइट को हम 4 डायरेक्शन से डाल के देखते हैं, तो उसको हम लिखेंगे PR पॉजिटिव या PR नेगेटिव।